भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महाराजगंज जनपद में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। एडीएम पंकज वर्मा ने इस संबंध में बताते हुए कहा कि आईडी कार्ड के आधार पर कार्ड लिंक करने के बाद मतदाता सूची में और शुद्धता की जाएगी। यदि किसी मतदाता का नाम गलत है तो उसको भी सुधारने का यह अच्छा अवसर है। यह जागरूकता का विषय है और हमारे कर्मचारी घर घर जाकर लिंक फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। महाराजगंज सीमा नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका वोटर कार्ड दोनों देशों में है। इसके विषय में जब एडीएम पंकज वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो वास्तविक भारतीय नागरिक होगा उसी का वोटर कार्ड उसके आधार कार्ड से लिंक कराया जाएगा। हम पूरी जांच के बाद ही यह प्रक्रिया करेंगे। एडीएम पंकज वर्मा ने बताया कि हमने विशेष अभियान चलाया है जो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार है। सभी अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र में जाकर फॉर्म कलेक्शन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी जितने भी वोटर आईडी हैं इनको आधार कार्ड से लिंक किया जाए। उसके लिए फॉर्म 6 भी जारी किया है भारत निर्वाचन आयोग ने और एक कार्यक्रम जारी किया है जिसमें 7 अगस्त और 21 अगस्त को विशेष तिथियां हैं, विशेष अभियान चलाया जाना जिसमें सभी सुपरवाइजर, सभी बीएलओ, सभी अभियुक्त अधिकारी, सभी ईआरओ फील्ड में रह के फॉर्म्स का कलेक्शन करेंगे और वैसे भी घर घर जाके फॉर्म्स को कलेक्ट करेंगे 6B को, यानी जिसमें आधार कार्ड का विवरण भरा जाना है। और ये अभी तो भारत निर्वाचन आयोग ने स्वैच्छिक रखा है, लेकिन कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि 100% ही कलेक्शन हो जाए, लोगों को समझाया जाए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। जैसा कि आपने फ़ायदे की बात की तो फ़ायदा इससे बहुत बड़ा ये होगा कि हमारी जो मतदाता सूची, जो लोकतंत्र का आधार है, बेसिस है, उसमें शुद्धता और अधिक सुनिश्चित की जा सकेगी। जैसे किसी व्यक्ति का एक से ज़्यादा जगह अगर बना हुआ है वोटर आईडी वो तुरंत तो ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक एक ही जगह करवा पाएगा। जहां वो पहली जगह लिंक करवाएगा उसके अलावा दूसरी जगह अगर वो सेम आधार कार्ड देता है तो वो ट्रेस हो जाएगा। तो सबसे पहला तो ये जो डुप्लीकेसी है उसमें वो हम सही कर पाएंगे। दूसरा, जब आधार कार्ड से हम लिंक करेंगे तो उसका जो नाम है, कई बार वोटर आईडी में आप देखते होंगे नाम कुछ भरा गया था और कुछ वहाँ आ गया, तो वोटर आईडी में जो नाम है वो नाम शुद्ध करने में भी हमें इसकी सहायता मिलेगी। सर, जैसे भारत और नेपाल में जो है रोटी बेटी का संबंध है, ऐसे में बहुत से नेपाल के जो लोग हैं वो आधार कार्ड बनवा चुके हैं, तो उनको कैसे प्रशासन अलग करेगा, ये कड़ी चुनौती है। ये अगर वो भारत के नागरिक हैं तो ही उनका आधार कार्ड यहाँ से लिंक किया जाएगा। जो भारत के नागरिकता के मानक हैं वो नेपाल में उनका क्या है उससे नहीं ये हमें मतलब है, लेकिन अगर वो भारत के प्रॉपर नागरिक हैं, विधिवत नागरिकता उन्होंने ग्रहण की है, तो ही उनको यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी सूची में। सर, जिनका वोटर कार्ड नहीं है यहाँ का और वो किसी कारण से आधार कार्ड बनवा लिए हैं, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था है करने के लिए? उनकी बिल्कुल जांच की जाएगी। अगर किसी का आधार कार्ड यहाँ किसी ने बनवा लिया और वोटर आईडी नहीं है और नेपाल के नागरिक हैं तो उनको जांच करने, बिना जांच किए हम वैसे भी आधार कार्ड से लिंकिंग नहीं करवा रहे हैं। जो बॉर्डरिंग एरिया विशेष रूप से उनका ध्यान रखें।